हाय फ्रेंड्स, आई एम दीप्ति। वेलकम टू इग्नो वायरस। आपने प्रीवियस वीडियो में सोसाइटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लिया है, कैसे हम इंसान को यानी कि मतलब ह्यूमन को स्टोरी ऑफ सोसाइटी के सेंटर में रखते हैं, उसका भी डिस्कस कर लिया है। तो हम जो आज हमारा वीडियो जो था टॉपिक्स, वो टोटल टॉपिक्स के 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर यानी कि सम लिमिटेशन इन स्टडी 3 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सम टूल्स ऑफ इंक्वायरी द अनरावल मीनिंग सोसाइटी को मीनिंग के लिए जो टूल्स का यूज़ करते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर आता है सम डिफिकल्ट क्वेश्चन, सम लिमिटेशन इन स्टडी सोसाइटी के स्टोरी में क्या क्या लिमिटेशन है, फिर वो क्वेश्चन क्या अराइज होता है, फिर जो नो टिप्स टू नो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहले आता है हमारा सम टूल्स टू इंक्वायरी द अनरावल मीनिंग। सो क्या है ना, हम डिस्कस तो हाउ टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ सोसाइटी, हम कैसे सोसाइटी के मीनिंग को अन्वेषण कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या क्या हमको क्या क्या टूल्स चाहिए ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। जो फास्ट हमारा जो फास्ट यूनिट है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब MCQs नहीं है, बस ऐसे ही आपके लिए हमने ये करवाया है। तो फास्ट है तो पहले हम बात सोसाइटी इज़ नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। तो सोसाइटी जैसे हम लोगों को दिखता है वैसे एक्चुअल में सोसाइटी वैसे नहीं होता है, उसका क्या बहुत सारे साइड्स होता है। सो फिर तो पहले हम बात करेंगे वैल्यूज़ के ऊपर, वैल्यूज़ यानी कि मूल्यवर्ध जो कि समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। सो क्या कह सकते हैं कि वैल्यूज़ आर इम्पोर्टेंट ऑफ सोसाइटी। सो हम लोग क्या वैल्यूज़ के बारे में एग्जांपल लेते हैं, फ्रीडम स्वाधीनता, मतलब हमारे इक्वालिटी समानता जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट से फ्रीडम इक्वालिटी म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे को सम्मान करना, ये सब सोसाइटी को एक साथ यानी कि बैलेंस करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो इसमें इसके अलावा हमारा जो लव एफेक्शन फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता, ये सब हमारा क्या पर्सनल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है। कुछ वैल्यूज़ हमारा सोसाइटी को एक साथ रखता है और कुछ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है। फिर क्या आया, इस ग्रोथ इज़ इम्पोर्टेंट देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो समाज मतलब समाज है तो समाज की कुछ रूल एंड रेगुलेशंस भी होता है। तो जो लोग सब रूल बनाते हैं उनके लिए कुछ वैल्यूज़, मतलब जो हम मैंने पहले बोला ना कि सोसाइटी को एक साथ रखने के लिए कुछ वैल्यूज़ चाहिए, तो उस वैल्यूज़ में किसको चूज़ करना, कहाँ मतलब कहाँ प्रमोट हो चुकी है कुछ वैल्यूज़ ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो कुछ क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। पर किसी एक को तो हम लोग किसी मतलब यहाँ पे इसीलिए एक पॉइंट मैंने ये कहा है कि इस ग्रोथ इज़ इम्पोर्टेंट देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से ज़्यादा क्या ग्रोथ, समाज की ग्रोथ इम्पोर्टेंट है। पर क्या है ना, वो सोसाइटी के जो लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं उन लोगों के लिए वो चूज़ एक को तो चूज़ नहीं कर सकते, वो दोनों को ही इम्पोर्टेंस देंगे, किसी के ऊपर पक्षपातिता वो नहीं कर सकते हैं। तो फिर आया स्टोरी ऑफ सोसाइटी रिक्वायर 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। सो क्या होता है, हमारा जो स्टोरी है मतलब सोसाइटी को स्टोरी करने के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि रिकॉग्नाइज द सोशल रियलिटी कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेवल। सो क्या है ना, हमारा जो सोसाइटी का स्टोरी मतलब क्या है, वो जो हमारा रिकॉग्नाइज द सोशल रियलिटी, हमारा जो सोशल रियलिटी है वो बहुत सारे लेवल का है। तो जो मतलब जो हमें लगता है वो सही हो इसका तो कोई गारंटी नहीं है। मतलब देखिए, एक ग्लास भरा हाफ भरा हुआ है
तो कोई इसको बोल सकता है कि नहीं ये ग्लास आधा मतलब हाफ फुल है, और कोई भी बोल सकता है कि नहीं हाफ हाफ क्या हाफ खाली है। तो कोई मतलब जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होगी वो बोला होगा कि नहीं हमने तो मतलब यही चाहिए हाफ ग्लास ही हम लोग हम पी सकते हैं, लेकिन जिसके प्यास बुझ चुकी होगी हाँ वो बस ऐसे रखा हुआ है। सो ऐसे होता है। तो द टॉप विजिबल तो टॉप विजिबल लेवल नीड सेकेंड पॉइंट इज द टॉप विजिबल लेवल नीड नॉट रिप्रेजेंट द रियलिटी। सो जो रियलिटी है उसको मतलब टॉप रीजन से हम लोग नहीं कह सकते कि नहीं इस ऐसे ही होता होगा, मतलब कि ऐसे सारा हमारे सोसाइटी में र्यूमर्स आता है पर ऐसे नहीं होता है, कभी कभी हम जो सोचते हैं वैसे नहीं हो सकता है। फिर आता है द वी हैव टू कंसिडर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। अगर हम लोग को सोसाइटी के बारे में अच्छी से स्टडी करना है तो क्या करना होगा, हमको सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट्स को हमको जानना होगा। कैसे हम लोग मतलब कैसे सब ये कर रहे हैं वो सब हमको जानना होगा कि कैसे लोगों रहते हैं, कैसे लोगों की जो पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह है वो सबको हम लोगों को जानना होगा। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है कार्ल मार्क्स ऑब्जर्व्ड इफ द एपेरेंट वेयर रियल देन देयर वुड बी नो नीड ऑफ साइंस। सो फिर हमारा क्या आता है ना, कार्ल मार्क्स ने और जो सोसाइटी के हमारे तीन फिनोमेनन को हमने डिस्कस किया, तो क्या है वो सब ऐसे मतलब तो जो मतलब कार्ल मार्क्स ने बताया हुआ है कि जो अगर अपारेंट मतलब जैसे वो दिखता है, मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं वो वास्तव ही है। जैसे हम लोग डेजर्ट में जाते हैं ना मरुभूमि में, वहाँ पे थोड़ी जगह पर लगता है कि नहीं वो पानी है, पानी जैसा लगता है लेकिन वो पानी नहीं होता है, इसको हम अपेरेंट बोल सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि अपेरेंट अगर रियल है वास्तविकता जैसे दिखता है वैसे अगर हो गया तो साइंस की क्या ज़रूरत है। तो सोसाइटी के अंदर जो हमने जैसे हम लोग मतलब हमने तीन मीनिंग को देखा ना, सेकेंड मीनिंग था कि जैसे वो दिखता है वैसे वो नहीं होता है, अगर जैसे दिखता है अगर हम उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया तो साइंस की क्या ज़रूरत थी। तो फिर हमारा आया एडमंड लीच इस चीडेड हिज एडमंड लीच क्या थे, वो एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्टी थे जिन्होंने क्या उनकी एक फ्रेंड फेलो ब्रदर्स को उन्होंने चाइडेड किया मतलब भर्सना किया, उनको गाली दी कि क्योंकि उन्होंने बोला कि ट्राइब्स ए बॉन्च ऑफ बटरफ्लाई कैचेस। तो उन्होंने जो हमारा जो ट्राइब्स है वो उन ट्राइब को हमारा जो जनजाति है उनको क्या उनको उन्होंने बटरफ्लाई कैचेस बोला, इसीलिए वो एडमंड लीच ने उनको गाली दी थी। तो उसने क्या बोला था कि बटरफ्लाई कैचेस। सो नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट ट्राइब्स हुज प्रॉब्लम ऑफ लिविंग दैट नॉट ड्रॉस मोर अटेंशन देन दे आर एक्स्ट्रा बियरिंग। सो क्या होता है कि वो बहुत सारे मतलब कलरफुल ड्रेसेस ऑर्नामेंट्स उनको लिविंग स्टाइल थोड़ा मतलब कलरफुल है ना, इसीलिए क्या होता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो उनके फिर भी उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, वो मतलब उनके लाइफ में बहुत ही सारा प्रॉब्लम्स होता है, पर जो प्रॉब्लम्स होता है वो उनके कलरफुल मतलब वो प्रॉब्लम्स हमारे सामने नहीं आता है, जैसे कि उनकी ड्रेसेस और ऑर्नामेंट पहनने के स्टाइल हमारा जो क्या हमारे आँखों को भा जाता है, उनके प्रॉब्लम्स सामने नहीं आता है छिप जाता है। तो जब हम कुछ भी सोसाइटी की स्टोरी के बारे में कुछ भी डिसीजन लेंगे तो उस सब के बारे में हमको डिस्कस करना पड़ेगा। फिर हमारा आता है जो
वो है सम लिमिटेशन इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के स्टडी में भी कुछ लिमिटेशन होगा ना, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टडी ऑफ सोसाइटी हैव एन इम्पीरियल एंड ऑब्जेक्टिव व्यू। तो क्या होता है ना, हमको सोसाइटी की स्टडी के बारे में, इम्पीरियल मतलब किसी के साथ पक्षपातिता नहीं, और ऑब्जेक्टिव व्यू मतलब एक निर्दिष्ट होता है, निर्दिष्ट पॉइंट ऑफ व्यू। हम एक ही को कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते कि नहीं सोसाइटी के ऐसे, मैंने पहले डिस्कस किया था ना कि सोसाइटी जैसा दिखता है वैसे होता नहीं है। तो हम किसी को, और एक क्वेश्चन था कि हम लोग प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे या फिर ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, तो ना हमें प्रॉफिट के ऊपर इम्पोर्टेंस देना है ना हमें ग्रोथ के ऊपर। हमको एक बैलेंस वे में सोसाइटी के हर एक चीज़ को स्टडी करना है। इसीलिए क्या होता है ना, ये थोड़ा सा हम जब भी सोसाइटी को स्टडी करते हैं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो क्या है ना, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वली इम्पोर्टेंट। मैंने बोला ना कि उन दोनों को हमने इम्पोर्टेंस इक्वली दिया है। तो फिर आया कि स्टडी ऑफ सोसाइटी कैन रिफ्लेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ सोसाइटी। तो जो स्टडी हमारा, जो स्टडी मैंने बोला कि नहीं ऐसे ऐसे टूल्स है वगैरह है, फिर भी वो जो ट्रू नेचर, जैसे कि उन्होंने बोला, कार्ल मार्क्स ने बोला कि जो वास्तविकता जैसा दिखता है वैसे होता नहीं है, ठीक उसी तरह क्या है ना, जो सोसाइटी की स्टडी है वो एक्चुअली सोसाइटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। फिर आया ग्लास ऑफ, हम लोग कैसे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, ग्लास ऑफ मिल्क, आवर नेशनल मूवमेंट। फिर आया पल्लवी, डेस्टिनी ऑफ सहा, डेमोक्रेटिक रूल। तो क्या हुआ ना, ग्लास ऑफ मिल्क, मैंने जैसे बोला कि ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास में मिल्क भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, कोई उसको देखे तो उसका बोल सकता, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू जैसे है वो ऐसा बोल सकता है, शायद वो बोल सकता है कि नहीं वो आधा भरा हुआ है, और कोई बोल सकता है कि नहीं वो आधा खाली है, तो वो डिफर करता है। फिर आया हमारा नेशनल मूवमेंट, हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो कैसे ना, पहले जो हमारे इंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन करते थे, उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि नहीं ऐसे नेशनल मूवमेंट हो सकता है, ऐसे हो सकता है, पर फिर भी हमारा नेशनल मूवमेंट हुआ और हम लोग अब इंडिपेंडेंट है। फिर आया पल्लवी, डेस्टिनी ऑफ साहस, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो साहस जो थे वो क्या हुआ ना, वो मतलब बहुत अच्छे राजा थे, फिर उनके लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया तो फिर वो राज्य छोड़कर चले गए। तो जो पहले हम लोग सोचते थे कि नहीं वो बहुत सारे बहुत अच्छे राजा थे, वो 10 टिकट्स तक टिके पाएंगे, पर फिर क्या हुआ, वो छोड़ के चले गए। तो मतलब हमारे गैस ऊपर तो स्टडी नहीं हो सकता है ना। फिर आया हमारा डेमोक्रेटिक रूल, पहले जो डेमोक्रेटिक रूल क्या होता है ना, जो डेमोक्रेटिक रूल है वो इलेक्शन मतलब फ्री एंड फेयर होना चाहिए, मतलब वो हमारा डेमोक्रेसी में लोगों को जो राइट्स है वो फ्री होना चाहिए, पर क्या होता है ना वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो क्या, जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो डेमोक्रेसी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेते हैं, फिर जो हमारे मीडिया वाले हैं उनका भी थोड़ा प्रायोरिटीज रहता है, इसीलिए क्या होता है इफेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये सब हो गया हमारा स्टडी ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन स्टडी में क्या क्या लिमिटेशन है। फिर आया हमारा क्या, सम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस है वो मतलब स्टडी, सोसाइटी के स्टडी में कैसे हम क्वेश्चंस जो हमारा एराइज हुआ है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। द एक्सट्रीमली कंट्रोवर्सी ऑफ सोसाइटी फेनोमेनन ऑक्यूपाई माइंड बिकॉज ऑफ द पब्लिसिटी इफेक्ट। सो क्या होता है ना कि जैसे हमारा जो कंट्रोवर्सी है सोसाइटी के बारे में, उसमें पब्लिसिटी का मतलब मीडिया वालों का बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट होता है। सो व्हेन वन लुक सेंसिटिव, मतलब जैसे कि सेंसिटिव इश्यूज है, देखिए हमारा जो था कि इसराइल में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें अमेरिका, मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी सोचते हैं कि नहीं अमेरिका में जो था वो
मतलब ऐसे ही जैसे कि सोचिए कुछ भी हो जाए, पर जो हमारा था मीडिया वाले ने जैसे दिखाते हैं हम वो ऐसे ही उसको ही सोचते हैं ना। तो वो अगर सही दिखाते हैं तो हम लोग सही सोचेंगे, अगर वो सही नहीं दिखाते हैं तो हम लोग नहीं सोच पाएंगे ना। सेंसिटिव व्हेन वन लुक्स एट द सेंसिटिव इशू इट इज़ एडवाइज टू टेक रिसोर्स टू द ह्यूमन ह्यूमानियन एंड मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। सो जब कोई सेंसिटिव इश्यूज होता है तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, जो मतलब हम उसको ह्यूमन मतलब जैसे कि इंसानियत पर और मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू पर हम लोग डिस्कस करेंगे करके ही लास्ट पॉइंट में आएंगे। फिर वायलेंस हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ सोसाइटी चेंज। तो क्या हुआ ना, अब जो वायलेंस हो रहा है जैसे कि 9 सितंबर को ट्विन टावर के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ, तो पहले जैसे मतलब वो सोसाइटी जैसे पहले था क्या अटैक के बाद वैसे हो सकता है? जैसे कि आप लोग नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर अटैक हुआ, तो पहले उस सोसाइटी बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव थी, पर जैसे ही अटैक हुआ वो क्या हुआ ना, वो बहुत सारे लोग ऐसे विकलांग हो गए हैं, डिसेबल हो गए, फिर कितने दिन तक बच्चे भी अच्छे से पैदा नहीं हो पाए, तो बहुत सारा सोसाइटी के चेंजेस आया। फिर आया एक्चुअल, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉलेज एक्चुअली रिड्यूस और मीडिया पावर प्रोग्रेसेस, जो क्या होता है प्रोपेगेंडा। सो जो नॉलेज होता है वो ही मीडिया के जो प्रोपागंडा है उसको क्या रिड्यूस करता है। मीडिया से जैसे जो ह्यूमर भी फैली जाती है उसको हम लोग नॉलेज से, मतलब हमारे नॉलेज से हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत, किसको एक्सेप्ट करेंगे किसको नहीं। फिर हमारा आता है टिप्स टू नो। सो इसमें हमारे 4 पॉइंट्स है जैसे कि नॉलेज वर्सेस प्रोपागंडा। तो नॉलेज क्या है ना, जो हमारा नॉलेज है, जो नॉलेज होता है वो नॉलेज क्या है ना, नॉलेज को हमको डिस्टिंग्विश करना होगा प्रोपागंडा से। हम नॉलेज हैज़ टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्रोपागंडा व्हिच इज़ नॉर्मली डिसेट आउट बाई पावरफुल पीपल। सो जो पावरफुल पीपल ने जो मतलब प्रोपागंडा पकाई है उससे हमको नॉलेज से डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। मैंने पहले बोला था ना, तो नॉलेज क्या है, नॉलेज जो हमने मतलब प्रोपागंडा र्यूमर है और नॉलेज हम आप लोग सब जानते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है हमारा बुक में जो मतलब क्या आप लोगों की सबके बुक में है, मीडिया इम्पोर्टेंस फ्रॉम द नेचर, इराक, इराक जो इन्वेंशन ऑफ इराक वाज रियल, जो इराक ने वो बॉम्ब मास डिस्ट्रक्शन बनाया था उसके बारे में। फिर हैरिस पोल कंडक्टेड इन अर्ली 2000, जो हैरिस पोल ने अर्ली 2006 में एक पोल कंडक्ट किया है उनको, उसमें से ज़्यादा मतलब ये है कि 2001 में जो प्रोसेसिंग इवन है वो अमेरिका मतलब आज भी अमेरिका के लोग ये सोचते हैं कि वो पर इराक ने मतलब पनिश, इसीलिए इराक को पनिश किया गया था, पर वो नहीं है फिर भी वो सोचते हैं। तो क्या हुआ ना, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेनी साइडेड नेचर ऑफ सोशल रियलिटी। सो जो सोसाइटी के रियलिटी है उसके जो साइडेड नेचर, मैंने पहले भी लिमिटेशन में सॉरी टूल्स में बताया कि डिफरेंट डिफरेंट ये होता है, जैसे कि ग्लासेस के एग्जांपल्स मैंने लिया था। तो वी हैव टू कवर मतलब हम लोगों को स्टडी, वी हैव टू कवर एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रियलिटी, हमको सोशल रियलिटी के हर एक एस्पेक्ट्स को कवर करना पड़ेगा। तो ए बैलेंस स्टडी वुड बी एटलीस्ट रिकॉग्नाइज दैट देयर आर मेनी साइड, मतलब एक जो स्टोरी है बैलेंस स्टोरी है वो रिकॉग्नाइज करता है कि सोसाइटी के मेनी साइड्स है। सो हम लोग तो
मतलब हम लोग क्या हर एक साइज को स्टडी करना चाहिए। फिर आया हमारा टू एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। तो जो सोसाइटी को सोसाइटी के बारे में जब आता है तो मतलब माइंड में आता है तो टू इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स माइंड में आता है। एक आता है ऑब्जेक्टिविटी और एक आता है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मिटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? जो मतलब ऑब्जेक्ट जैसे कि बायस नहीं है, वो बाय माने ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, उस सब से क्या वो बायस नहीं है, वो एक ही होता है। फिर आया हमारा जो क्या यूनिफॉर्मिटी, मतलब वो सबके लिए फेयर और इक्वल है, सबके लिए समान ही होता है, तो उसको हम यूनिफॉर्मिटी कह सकते हैं। फिर हमारा आया लास्ट जो कि आज के लिए है, गांधी जी की एडवाइस। गांधी जी ने क्या एडवाइस किया है कि हम लोगों को प्रोवाइड ओनली सच एजुकेशन, मतलब ऐसे हम लोगों को एजुकेशन चाहिए जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, मतलब हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको एजुकेट कर सकता है हमारा लाइफ में, मतलब फ्यूचर में हमको हेल्प करेगा, ऐसे ही हमको चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो गई है, पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़, और जैसे कि आप जानते हैं कि BSSF 101, BSc, BSW, ये सब लोग BA, BCom, ये सब लोगों के लिए भी है। तो अगर आपको आपके फ्रेंड BSSF 101 एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके उनको प्लीज़ ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ऐसे आपको अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहिए। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ 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 शेयर करना। सो थैंक्स अ लॉट इतने पेशेंस के साथ मेरे वीडियो को देखने के लिए।